अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलाम अला सय्यिदिल अंबियाई वल मुरसलीन अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिही व असहाबिही व बारिक वसल्लम व सल्ली अलैह। दुनिया के तमाम देखने वालों को, तमाम चाहने वालों को, तमाम प्यार करने वालों को और जहाँ जहाँ तक इस वक्त मेरी आवाज़ को सुना और मुझे देखा जा रहा है, जुनैद इकबाल की जानिब से इंतहाई मोहब्बत के साथ अस्सलामु अलैकुम। एक बार फिर नाज़रीन, आपको पुरनूर सुबह नूर के साथ मैं दिल की अता गहराइयों से खुश आमदीद कहता हूँ। और आइए बिला तवक्कुफ चलें हज़रत अबू अनीस मोहम्मद बरकत अली अलैहि रहमा की तालीफ अस्माउन नबील करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक इस मुबारक पढ़ने और सुनने की सआदत हासिल करते हैं। सैयदुना अल मुहिब्बु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारे सरदार, मोहब्बत फरमाने वाले, दुरूद व सलाम भेजे अल्लाह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आले पाक पर और सहाबा कराम रिजवानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन पर। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अपने बच्चों तीन बातों की तालीम दो। पहली बात उनको कुरान की तालीम दो, दूसरी बात मेरी मोहब्बत उनके दिलों में रासिख करो और तीसरी बात मेरे अहले बैत की मोहब्बत सिखाओ। जनाब, आज आपने हमारे साथ जरूर जुड़े रहना है। जितने भी दुनिया में माँ बाप हमें देख रहे हैं वो तमाम ही इस वक्त हमारे साथ जुड़े रहे हैं, क्योंकि आज औलाद की तरबियत के रहनुमा उसूलों पर इंशाल्लाह हम बात करेंगे। नाज़रीन कराम, इस दौर में वालिदैन के सामने अगर मैं कहूं कि सबसे बड़ा चैलेंज औलाद की तरबियत है तो जुमला गलत ना होगा। यानी आपकी जिंदगी कितनी ही कामयाब तरीन जिंदगी हो, आपके पास कितनी ही दौलत हो, कितना ही बड़ा स्टेटस हो, कितना ही बड़ा मकाम हो, कितना ही बड़ा नाम हो, कितनी ही शोहरत आपके पास मौजूद हो, आपके पास सब कुछ हो, यानी दुनिया आपकी वाह वाह करती हो, दुनिया आपको सल्यूट करती हो, आप जहां से गुजरते हो साहब लोग आपके सामने सर झुका लेते हो, यानी एक जुम्बिश अबरू के ऊपर जो है बड़े बड़े फैसले आपके हो जाया करते हो। मगर जहन में रखिए, अगर आपकी औलाद की तरबियत ठीक नहीं है, अगर आपकी औलाद आपका मुस्बत हवाला नहीं है, अगर आपकी औलाद आपके लिए फख्र की जमानत नहीं है, तो फिर आपकी सारी तरक्की, सारी शोहरत, यूं कहिए सारा नाम मकाम जो है वो मुकम्मल तौर पे ढेर होकर रह जाता है। नहीं, आपने जो कुछ भी कमाया यूं समझ लीजिए आपने सब कुछ गवा के रख दिया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अच्छी तालीम और तरबियत से ज्यादा एक बाप अपनी औलाद के लिए कोई अतिया नहीं देता, यानी उसके लिए कोई और अतिया नहीं है। अब आइए जरा मैं आज आपको इब्तिदा में 28 बुनियादी सुनहरी उसूल बतलाता हूं, उसको इंशाल्लाह अगर आपने अपनी जिंदगी के अंदर शामिल कर लिया ना तो आप यकीन मानिए, जाहिर दावत तो अल्लाह की जात पर है लेकिन आपकी औलादों की तरबियत बड़ी सही हो जाएगी इंशाल्लाह। अब पहली बात क्या है समझ लीजिए, पहली बात यह कि घर में जो लुकमा है वो हलाल का लाने की कोशिश करें, यानी हलाल ही का लुकमा लाएं, हलाल ही का लुकमा खाएं और हलाल ही का लुकमा खिलाएं। दूसरी बात यह, अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम और उनकी मोहब्बत और अकीदत जो है बच्चे के वजूद में मुंतकिल कीजिए और ईमान की जो शमा है वो हमेशा उसके वजूद के अंदर जो है वो रोशन करके रखें। तीसरी बात यह है कि इबादत करते वक्त बच्चों की तवज्जो अपनी तरफ मुतवज्जे करवाएं। चौथी बात यह है कि औलाद के सामने अपने हर हर अमल और हर हर लफ्ज पर मोहतात रहिए, क्योंकि जो कुछ आप कहते हैं या जो आपका बॉडी पॉस्चर होता है वो एग्जैक्टली उसी अंदाज से काम किया करता है। पांचवी बात यह है कि बच्चों को मोहब्बत के साथ पालना और उनकी गलतियों पर इंतहाई तदब्बुर के साथ और नरमी के साथ उनकी इसलाह किया कीजिए। छठी बात यह है कि बच्चों को मिसाली किरदार दिखाइए और उनके सामने मिसाली किरदार बनकर सामने आइए। छठी बात के बाद सातवीं बात यह है कि बच्चों को अखलाकी और दीनी उसूल सिखाइए और उन पर अमल करने की तरबियत उनकी बाकायदा कीजिए। आठवीं बात यह है कि जो घरेलू झगड़े अमन हुआ करते हैं ना वो औलादों से दूर रखा कीजिए, उनके सामने जो उनको कभी नहीं आने दें। नवी बात यह है कि बच्चों के ख्वाबों को संभालें और उनकी तरक्की में उनकी मदद कीजिए। दसवीं बात यह है कि बच्चों की तालीमी और मानवी तरक्की को फरोग दीजिए। ग्यारहवीं बात यह है कि बच्चों की सेहत और तंदुरुस्ती का खसूसी ख्याल रखिए और उनको जो है सेहतमंद माहौल दीजिए। बारहवीं बात यह है कि बच्चों की जहानत और दानाई की तरक्की को महमीज दीजिए। तेरहवीं बात यह है कि बच्चों को माशरे के मौजूदा हालात में सही और गलत के बारे में यानी डूस के और डोंट्स के एरियाज जो हैं वो बाकायदा बताते रहे। चौदहवीं बात यह है कि मखसूस उम्र तक औलाद को मोबाइल फोन से और दीगर गैजेट्स से दूर रखिए। पंद्रहवीं बात यह है कि बच्चों के दोस्त अहबाब पर खास तौर पर नजर रखिए और जहन में रखिए जो फिजिकल गैदरिंग्स है वो तो अपनी जगह, अब जो डिजिटल गैदरिंग्स है ना उस पर भी खास तौर पर क्रॉस चेक रखिए। सोलहवीं बात यह है कि बच्चों को खुशी के मौके फराहम कीजिए, उनकी खुशी में खुश होना सीखिए और उनकी दिलचस्पियों में
दिलचस्पी लीजिए, यानी जो उनके एरिया ऑफ इंटरेस्ट है उसमें आप खुद भी इंटरेस्ट लीजिए। 17वीं बात यह है कि बच्चों को हौसला अफजाई कीजिए उनकी, उनको हौसला दीजिए, नाकामी हो तो तसल्ली दीजिए और कामयाबियों पर उनको अप्रिशिएट कीजिए। 18वीं बात यह है कि बच्चों को उनकी सतह और उम्र के मुताबिक ऐसा मुनासिब तालीमी मवाद दीजिए जो कि उनको हालात हाजरा की मुताबिकत से जो है वो आगाह करता रहे, यानी उसके बिल्कुल मुताबिकत रखता हो। 19वीं बात यह है कि बच्चों पर इंफरादी तवज्जो को बरकरार रखिए और उनके इंफरादी मसाइल को समझिए और उसको हल करने की कोशिश कीजिए। 20वीं बात यह है कि दीन और दुनिया के उमूर में तवाजुन बरकरार रखिए और दीन को दुनिया पर हमेशा फौकियत दीजिए। 21वीं बात यह है कि रिश्तों की अहमियत को उजागर कीजिए और उसको निभाने का अंदाज उनको बतलाइए, इवन बड़ों का अदब और छोटों से किस तरह से ताल्लुक रखना है वो उनको समझाइए। 22वीं बात यह है कि लोगों का एहतराम करना सिखाइए, इंसानों की खिदमत का जज्बा उनके अंदर पैदा कीजिए। 23वीं बात यह है कि जिंदगी का एक मकसद और एक टारगेट मुतय्यन कीजिए। 24वीं बात यह है कि बच्चों के साथ रोजाना वक्त गुजारिए और उनके मशागिल में इंटरेस्ट लीजिए और लाशौरी तौर पर नशिश तो बर्खास्त हुआ करती ना कि उठना बैठना चलना फिरना खाना पीना कैसे करना है, दाएं हाथ से बाएं हाथ से, ये उनको समझाइए साहब की बुनियाद क्या है। 25वीं बात यह है कि बच्चों में खुद एतमादी पैदा कीजिए और उनके फैसलों को जो है बाकायदा उनको इख्तियार दीजिए। 26वीं बात यह है कि बच्चों में कनात और शुक्रगुजारी का जज्बा पैवस्त कीजिए। 27वीं बात यह है कि आखिरत में पेशी यानी अकाउंटेबिलिटी का जो तस्वुर है वो उनके वजूद में पैवस्त कीजिए। और 28वीं बात यानी बिल्कुल यानी आखिरी बात लेकिन आखिरी बात नहीं कि सबसे बढ़कर यह कि बच्चों का अपने रब से ताल्लुक जो है बाकायदा मजबूत कायम कीजिए और इसे पर कामिल यकीन उनका पैदा कीजिए और दुआ से जो ताल्लुक है उनका वो उनका बाकायदा कायम कीजिए। आगाज करते हैं, हमारे साथ इस वक्त 3 शख्सियात मौजूद है जिनसे आज डिटेल गुफ्तगू करेंगे साहब कि बच्चों की जो तरबियत है वो बुनियादी तौर पर कैसे की जाती है। पहली शख्सियत मुमताज स्कॉलर जनाब डॉक्टर सैयद महबूब बुखारी साहब हमारे साथ तशरीफ फरमाए। दूसरी शख्सियत माहिर नफ्सियात हैं जनाब डॉक्टर वजाहत खान साहब हमारे साथ तशरीफ फरमाए। और तीसरी शख्सियत सालिम बर्नी ट्रस्ट की रूह रवां है मोहतरमा आलिया सालिम बर्नी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, मुमताज समाजी रहनुमा। तीनों अहबाब को अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदेद। अच्छा जी, सबसे पहले डॉक्टर साहब आपसे आगाज करते हैं और जाहिर है ये मौजू ऐसा है कि हर घर का मसला है साहब, बच्चों ने पैदा होना है, बच्चों ने जवान होना है, बच्चों की तरबियत होनी है। एक जो बड़ा मुझे मामला नजर आता है और मैं समझता हूं कि इब्तिदा में इस मामले को पहले हम एड्रेस करें कि जो मौजूदा एज की हम बात करते हैं, मौजूदा दौर की बात करते हैं, इस्लाम जो है मुझे ऐसा लगता है कि दुश्मन का बुनियादी टारगेट है। अच्छा, अब जब हम ये बात समझ लेते हैं कि दुश्मन का बुनियादी टारगेट इस्लाम है तो जो इस्लामी तालीमात हैं उसके मुताबिक बच्चों की तरबियत कैसे की जाए एक बड़ा सवाल है, और जाहिर है जो दीनी तालीम है उनको कैसे फराहम की जाए, क्योंकि अगर हम दीनी तालीम देते हैं तो पहला सवाल ही उठता है साहब या बच्चों को जो है अपना बैकवर्ड बना रहे हैं, पीछे धकेल रहे हैं, दुनिया बहुत आगे जा चली गई है, तो तरीक़ाकार क्या होना चाहिए, यहाँ से आगाज़ कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान करीम में इरशाद फरमाया कि इन्नमा अम्वालुकुम व औलादुकुम फितना, सदकल्लाहुल अज़ीम। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें ये बताया कि बिलाशुबा हमारे आमाल और हमारे अम्वाल और औलाद हमारे लिए फितना है जी, और फितने से मुराद है आजमाइश है। आजमाइश से मुराद ये है कि हमारा उनके साथ ताल्लुक कितना गहरा है, कितना असर जू असर है, कितना उसके अंदर इफेक्ट है, कितने उससे वो तब्दील होते हैं नहीं होते, उनसे हम कितने तब्दील होते हैं। ये जो डायनामिक्स हैं पेरेंट्स और चिल्ड्रन के रिलेशनशिप, ये इतने अहम हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया कि इन्हीं की बुनियाद पर आपकी जिंदगी की रानाइयां उसकी चमकदारियां मबनी हैं। मतलब ये हुआ कि आपकी जांच पड़ताल आपकी औलाद के साथ जुड़ी हुई है, और जैसा कि आपने अपने इब्तदाइये में बहुत खूबसूरत अंदाज में बयान फरमाया और सवाल में भी इसी हवाले से आगाज किया कि क्या जो मुख्तलिफ लॉबीज हैं उसमें बुनियादी टारगेट क्या इस्लाम है, तो यकीन जानिए कि मैं खुद भी पढ़कर बड़ा हैरान हुआ कि एक बड़े मशहूर बायोलॉजिस्ट हैं, एवोल्यूशनरी बायोलॉजिस्ट हैं, डार्विनियन बायोलॉजिस्ट हैं, रिचर्ड डॉकिंस, और उनका शुमार दरअसल इस वक्त न्यू एथीज्म की तहरीक में और एक कायद के तौर पर होता है सैम हैरिस के साथ और डेनिट के साथ। उनके यहाँ एक चैप्टर है, उनकी जो मशहूर किताब है गॉड्स डिल्यूजन, के बच्चों में मजहब कैसे आता है, और उनकी जो की आइडिया है वो ये है कि जब वालदेन बच्चों की तरबियत करते हैं तो मजहब उनकी जिंदगी में ऐसे मौजूद होता है कि उन्हें पता ही नहीं चलता
और उनकी ज़िंदगी की बागडोर या उनकी ज़िंदगी की सिमत उन मजहबी ख्यालात से तय होना शुरू हो जाता है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि तरबियत इतनी असर करती है कि वो इवोल्यूशनरी बायोलॉजिस्ट ये कहने पर मजबूर है कि वेस्ट को, एथीस्ट यानी मुलहिद ताकतों को, जिस बात पर सबसे ज्यादा नजर रखने की जरूरत है वो वालिदैन की तरबियत। यानी आसान से इसकी मिसाल देखे, अगर आप इजाजत दें तो मैं समझाने की कोशिश करूं कि आपके घर के अंदर आजान की आवाज सुनते ही, वजू करते ही, टोपी लगा के या दुपट्टा पहन के औरत या मर्द अगर खड़ा हो गया तो बच्चा लाशौरी तौर पर तरबियत हासिल कर रहा है। तरबियत और वही घर जो है सुबह जो है एकदम उठते जो है जरा वो गाना तो लगाओ भाई, अब वो नाच गाना शुरू हो जाए तो जाहिर है वो लाशौरी तौर पर दूसरी है। और आप ये देखिए कि हमारी जो बहनें हैं और जो बेटियां हैं इनके यहाँ इतनी अच्छी तरबियत होती है कि जैसे ही आजान की आवाज आए या फर्ज करें कुरान करीम की कोई आयत मुबारक की तिलावत हो तो फौरन से दुपट्टा सर पर आने का मतलब ये होता है कि कितनी अच्छी तरबियत हुई है। बाज़ लोग जाहिर है इसके ऊपर तनकीद करते हैं, लेकिन इससे इस बात का इजहार होता है कि तरबियत की हुई नजर आती है, विजिबल होती है। अब आप आइए दूसरी बात पर। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान करीम में मजीद इरशाद फरमाया सूरह तहरीम के अंदर के या अय्युहल्लज़ीना आमनु कू अनफुसकुम व अहलीकुम, यानी ए ईमान वालों अपने आप को बचाओ, अपनी औलाद को बचाओ जहन्नुम की आग से, उस आग से जिसका ईंधन आदमी और पत्थर है, पत्थर हो। अल्लाह अकबर। यानी मतलब ये हुआ कि इंसान को सबसे पहले अपने आप को बचाना है और फिर अपनी औलाद को बचाना। इससे हमें ये पता चला कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जब जिम्मेदारियों को बांटा तो अपनी जिम्मेदारियों के साथ औलाद की जिम्मेदारियों को भी आपके सुपुर्द कर दिया। यानी अगर उनकी सिमत जिंदगी की गलत तय हो जाए या गलत उसकी सिलेक्शन हो जाए तो उसमें एक बड़ा किरदार, मल्टीपल फैक्टर्स का किरदार हो सकता है लेकिन वालिदैन का किरदार भी है। और आपने हदीसे मुबारका का जिक्र किया अपने मुकदमे के अंदर कि एक वालिद बेहतरीन तोहफा अपनी औलाद को क्या दे सकता है, बेहतरीन वो है तरबियत, वो है बेहतरीन तरबियत। तो अब आप जरा इन तमाम बातों को मिलाकर अंडरस्टैंड करने की कोशिश कीजिए कि इस्लाम में औलाद और वालिदैन का ताल्लुक क्या है। आजमाइश यानी आपको जांच पर, आपकी जांच पड़ताल किस बुनियाद पर की जाएगी, उस ताल्लुक की बुनियाद पर। आपने उस पर कितना वक्त सर्फ किया, आपने उसकी उनके अखलाक को संवारने में कितना वक्त सर्फ किया, और फिर बिलखसूस सिर्फ और सिर्फ इतना नहीं कि दुनियावी किरदार बल्कि आपने मकसद हयात को भी तय करना है कि कहीं ऐसा ना हो कि आपकी जिंदगी मुंतज हो उस जहन्नुम की आग के ऊपर। आपने हर कावे ऐसी उठा रखनी है जिसमें यह मुमकिन हो कि आप जन्नतुल फिरदौस की तरफ। अब इसमें देखिए बड़ी एक आसान सी बात और फिर बात आगे बढ़ाते हैं। यानी बहुत जैसे मैंने अब इबादत का हवाला दिया, एक ये कि नशस्त बर्खास्त में मिसाल के तौर पे आप खाने की जो अपने टेबल पे बैठे हैं, अब आप या जमीन पे बैठ के आप दस्तरखान पे खाना खा रहे हैं, तो वही बात है कि जब बाप और माँ जो है बिस्मिल्लाह पढ़ के खाएंगे, जब हाथ धो के मतलब बैठेंगे, जब सुन्नत तरीके से बैठेंगे, और वही बात कि अगेन दाएं हाथ का इस्तेमाल करेंगे, दाएं हाथ से खाएंगे, दाएं हाथ से पानी पिएंगे, दाएं हाथ से जो है मतलब वो सारे काम करेंगे, तो ऑटोमेटिकली जो है बच्चों के अंदर वो लाशौरी तौर पर वो तरबियत जो डाल रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा डॉक्टर साहब, अब आइए जरा अगली बात की तरफ। ज़ाहिर है आप साइकाइट्रिस्ट हैं और नफ्सियात पर बड़ा काम करते हैं। ये जो अखलाकी तरबियत जिसे हम मतलब मॉरल एजुकेशन कहते हैं, क्या बुनियादी इसके उसूल हैं, एक तो ये बतलाइए, और इसका जो आगाज है, अब जाहिर इस पर बहुत सी जो है वो अपना फॉर्मूले लगाते हैं लोग, लेकिन आपके ख्याल में क्या इसका फॉर्मूला सही है कि किस वक्त से आगाज कर देना चाहिए बच्चे की तरबियत के हवाले से, बताइए। आज का जो टॉपिक है वो बड़ा ही अहम है आजकल, जो कि आज जो माहौल बन गया है अगर आप उसको नजरसानी करें एज अ डॉक्टर देखें तो सबसे बड़ा मसला ये बनता जा रहा है कि हमारे बच्चे जो हैं हमारा कहना नहीं मानते, और जब बच्चा बलूगत की उम्र में आता है तो पता चलता है कि हमने क्या चीज गंवा दी। और तरबियत का ताल्लुक जो बनता है वो बनता है तीसरे साल से, प्रॉपर तरीके से आपने बच्चे को वो चीजें दिखानी है जो आप चाहते हैं कि 13 साल के बाद देखें। तो कहते थे कि बच्चे आपकी बात सुनते नहीं है, बच्चे आपकी बातों को वो करते हैं जो देख रहे होते हैं। उठना बैठना, तमीज से बात करना, मुस्कुराहट, खाना खाने का तरीका, पीने का तरीका, वो तमाम चीजें ऑब्जर्व कर रहे होते हैं आंखों के थ्रू, और जब वो करते जाते हैं तो अपने सब कॉन्शियस में वो चीजें उनकी बैठ जाती हैं। ठीक है। और कुछ अरसे के बाद वो उन्हीं
तर्ज अमल को दोबारा से दिखाना शुरू कर देते ठीक है। तो अगर हम चाहते हैं कि हमारा बच्चा ऐसा हो जैसा हम ख्वाहिश रखते हैं तो फिर हमने वैसा बन के दिखाना पड़ेगा सबसे पहले। जी हाँ, ऐसा नहीं है कि आप अपनी बीवी के साथ चीख के बात कर रहे हो और आप कोशिश करें कि बेटा तुम हल्के बात करो तुम्हें शर्म नहीं आती, तो ऐसा नहीं हो सकता। अगर आप चाहते हैं कि आपका बच्चा भी तमीज से बात करे तो आपने उसी अंदाज में बात करके उसको मुस्तकिल दिखाते रहना है। यानी आपके कहने से मुराद ये कि आप चाहते हैं कि आपकी औलाद आपकी मतलब बीवी की यानी उसकी माँ की इज्जत करे, तो आपको अपनी बीवी की इज्जत करनी है। बेशक बेशक, सबसे पहले उन्होंने ये देखना है कि मेरी माँ का और मेरे बाप का रिश्ता कैसे है। अगर वो एक दूसरे की इज्जत करते हैं तो बच्चा अपनी माँ की ऑटोमेटिकली इज्जत करेगा, और वही चीज फिर आप चाहेंगे जो कि एक जवानी की उम्र में जब शादी होती है तो वही लड़का अपनी बीवी की भी इज्जत करेगा। तो ये सिलसिला चलता है शुरू के 2-3 साल की उम्र में, किताबों में पढ़ा के डंडे मार के ये तरबियत नहीं होती। ये तो एक हमारी सो कॉल्ड तालीमी एकेडमिक एजुकेशन है, सही। लेकिन सही मायने में तरबियत ये कि माँ बाप अपने घर से उसका आगाज करें, टीचर के उसके पास सौंपें, टीचर पे उसको आगे लिंगर ऑन करे और मिल बांट के एक बेहतरीन कम्युनिटी हम। आप एक बात बताइए डॉक्टर साहब, ये जो एक मैं एक बात बड़ा गौर करता हूँ इस बात के ऊपर, जैसा आपने 3 बरस का कहा ठीक है आपकी अपनी राय उसका एहतराम है, मेरा तो अपना ओपिनियन है अब जितना मतलब आप तेजी के साथ वक्त बढ़ रहा है मुझे तो ऐसा लगता है कि बच्चा जो है वो अपना 1.5 साल का बच्चा 1.25 साल का बच्चा जो है उसकी भी जो ग्रैपिंग क्वालिटी होती है या उसका जो आईक्यू लेवल होता है मैंने देखा बड़ा शार्प होता है साहब, मतलब 1.5-2 साल में तो बच्चा जो है वो सब कुछ करना शुरू कर देता है जो आप कर रहे होते हैं, आपको देख रहा होता है आपकी मूवमेंट्स को चेक कर रहा होता है वो। अब जो असल बात है वो ये है साहब कि इस वक्त इस दौर के अंदर जिस दौर में आप जी रहे हैं एक बड़ा मसला जो मुझे महसूस होता है सवाल के तौर पर रख रहा हूं मैं कि हम 2.5 साल में अपना बच्चा जो है वो स्कूल को दे देते हैं और एक्चुअली जो तरबियत शुरू होनी है अखलाकी तौर पे वो शुरू ही 1.5-2 साल 2.5 साल में होनी है। तो वो जो माँ बाप ने तरबियत करनी थी वो पार्ट तो उठा के आपने स्कूल को दे दिया, तो आप कैसे एक्सपेक्ट करेंगे कि फिर उसकी तरबियत उस तरह से हो अखलाकी तौर पे जैसा आप चाहते हैं। बहुत ये बड़ा लम्हे फिक्रिया मुझे लगता है कि जब आपका बच्चा 2 साल का होता है जब उसको बेसिकली कोरली आपकी फैमिली चाहिए, आपके माँ बाप का अंदाज चाहिए, चचा मामा सब मिलके चाहिए, तो आप प्री स्कूल के नाम पे एक नई जो कहानी स्टार्ट हो गई है जो प्री स्कूल एजुकेशन है उस पर थ्रेट ये है कि एडमिशन नहीं मिलेगा अगर आपने जरा सा भी दे। बिल्कुल, यहाँ पे जब आपको ये बता दिया जाए कि चीज मुश्किल से मिलेगी तो हम उसके पीछे बिला वजह भागते हैं। तो प्री स्कूल एजुकेशन में जो मैनर्स वो सिखाते हैं वो आप ज्यादा अच्छा फैमिली सिखा सकती है, लेकिन होता क्या है कि जब बच्चा वहां पे जाता है जब उसके सर पे बर्डन पड़ता है उस पर प्रेशर बनता है तो उसके अंदर जो चीजें एक्सप्लोर करने की होती हैं आगे जाके उसके अंदर जो कॉन्फिडेंस बिल्डअप होना होता है वो प्रेशर में सप्रेस हो जाता है और वो बच्चा सीखने की जो स्पीड है जो मैं देख रहा हूं वो 50% हो जाती है। तो मैं ये चाहता हूं कि उसको मस्जिद लेके जाएं आप, ठीक है, अगर बच्चा थोड़ा बड़ा हो जाए 3 साल के बाद तो आप उसको लोगों में बिठाएं दिखाएं अच्छा काम करें तो बच्चा ज्यादा तेजी से सीखेगा, ना कि आप किसी 8 घंटे की कन्फाइनमेंट में क्लास में जाके बिठा दे जहां पे उसको सोशल प्रेशर भी हो रहा हो और वहां पे जाके टीचर्स भी मुझे नहीं पता कि आजकल के टीचर कितने ग्रूम है किस अंदाज से सिखा रहे होते तो प्रॉब्लम्स तो वहां आ रहे होते। अच्छा एक चीज, बच्चा जो एक कैनवस की तरह है एक खाली कैनवस आपके सामने, अच्छा आप चाहते हैं कि इस कैनवस के अंदर जो रंग हो वो मेरे मुताबिक हो मेरे रंग हो, सही बात, और उस खाली कैनवस को आपने जो जिस वक्त अभी उस पर पहला लफ्ज लिखने का वक्त है ये कहिए कि पहला स्ट्रोक लगाने का जब वक्त आता है वो उसका वही बात है 1.5-2 साल 2 साल का है, वो पहला स्ट्रोक आप जो है वो बाहर वालों से लगवाते हैं खुद नहीं लगाते, जबकि होना ये चाहिए कि उस कैनवस पे पहला दूसरा तीसरा चौथा स्ट्रोक जो है वो आपका होना चाहिए जब वो बच्चा आपको लगे कि हाँ जी अब ये उस रंग में ढलना शुरू हो गया है जो रंग हमारी फैमिली का रंग है हमारी तरबियत का है, देन आप उसको जो स्कूल के हवाले करें। ये बात सही है कि गलत है? देखिए ये तो बात तो बिल्कुल ठीक है लेकिन करना बहुत मुश्किल है। होता यह है कि हम माँ बाप बनते हैं ना तो इत्तेफाकी तौर पर बनते हैं, हम सीखते कुछ नहीं है। अगर हम प्लान के तौर पे देखें कि हम वालदैन बनने जा रहे हैं तो हमारी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जिस तरह आपने स्टार्ट में बताया मौलाना साहब ने बताया तो ये आजमाइश है, आप आजमाइश की तैयारी नहीं करेंगे तो फिर आप पर्चा कैसे देंगे। तो जब बच्चा पता चलता है कि हम साहिब औलाद होने वाले हैं तो तैयारी तो ये होती है कि शॉपिंग कर लें अच्छी अच्छी चीजें ले आए कपड़े ले आए, लेकिन ये नहीं देखते कि हमने अपने आप को ग्रूम कितना करना है, मतलब रूम की उसकी कलर थीम क्या होगी वो हम डिसाइड कर रहे होते हैं जनाब, जिंदगी की कलर थीम क्या होगी अखलाकियात की कलर थीम क्या होगी वो डिसाइड नहीं कर रहे वो ब्लैक एंड व्हाइट रह जाती है जनाब। तो यहाँ पे माँ बाप को सीखने की जरूरत है कि जब मियाँ बीवी माँ बाप बनने जा रहे हैं तो क्या हम में कमी है, जो कमी वो खुद महसूस करते हैं सीखने के बजाय स्कूल की जिम्मेदारी लगा देते हैं और आखिर में क्या होता है कि स्कूल वाले जो है ना वो इतने अच्छे तरीके से, अफसोस के मैं कहता हूं पाकिस्तान में क्योंकि मैं सर्वे करता रहता हूं स्कूल में,
वो मजा नहीं है जुनैद भाई जो होना चाहिए। बिल्कुल ऐसा। जिस तरीके से स्टार्ट बच्चे का होना चाहिए। बिल्कुल ऐसा। मैं आपको एक बात बताऊं डॉक्टर साहब, अभी आपकी की दुनिया के डैडी सेगमंड फ्राइड, मतलब 19वीं सदी के, जाहिर है आप साइकियाट्रिस्ट हैं तो वो उसका वाला ज्यादा बेहतर बनेगा। उसका ये कहना है कि ये जो औलाद की तरबियत है, आप देखिए, आप ये सरकार अलैहिस्सलाम 1400 बरस पहले बात फरमा चुके, वो कहता है बच्चे की तरबियत जो है शुरू ही माँ के पेट से होती है, मतलब जिस वक्त माँ के पेट में बच्चा होता है तरबियत वहां से शुरू हो जाती है। अब बात ये जरा ये बताइए आलिया साहिबा, आप जाहिर है चूंकि बिल्कुल ग्रास रूट लेवल से काम करने वाली खातून है और आपके पास दिन रात आपकी जाहिर आपके पास केसेस आते रहते हैं, बहुत से आपने ऐसे भी केसेस देखे हैं जिस पर डिजास्टर्स हैं, ऐसा है? अच्छा, अब डिजास्टर्स की वजह अगेन वो आती है कि हम बच्चों को जो दुनियावी तालीम देते हैं वो इस हद तक दुनियावी तालीम दे देते हैं कि वो जो एक्चुअल जो दीनी तालीम होती है वो कहीं पसे पुश चली जाती है, तो उनको पता ही नहीं है साहब के दीनी नॉर्म्स आपकी क्या हैं। तो बच्चों की दुनियावी तालीम के लिए वालिदैन को क्या करना चाहिए, किन सर्टेन बाउंड्रीज के अंदर उनको रहना चाहिए और इस सिलसिले में किन किन बातों का ख्याल रखना चाहिए, बताइए जरा। आपने बच्चों की बात की कि अब हम बात करें कितने साल के बाद बच्चा बताता है कि वो क्या है। मेरा तजुर्बा यह है, क्योंकि मेरे पास वो बच्चे भी आ जाते हैं जो कूड़े कचरे में फेंके जाते हैं, अब मैं उनकी साइकी और एक अच्छे माँ बाप के बीच में जो औलाद पैदा होती है उसकी साइकी का फर्क मैं मुस्तकिल 24 घंटे का मेरा काम है मैं देख रही होती हूँ, और मुझे मोहब्बत और रहम आ जाती है उन बच्चों पर जो ऐसी जगहों पर पैदा होते हैं जिनको हम बाप का नाम नहीं दे पाते और माँ भी नहीं बता पाती कि ये कौन है। उन बच्चों के अंदर जो एंजाइटी और मार पीट और जो उनके अंदर मैं फीलिंग्स देखती हूँ, यानी उसी एज ग्रुप का बच्चा अगर मैंने किसी घर में भेजा है तो उसके अपने बच्चे उस घर के अजीब मिजाज के होंगे और ये बच्चा बहुत झगड़ालू होगा, इसको गुस्सा आएगा। अब छोटा सा बच्चा है लेकिन अजीब अजीब वो कभी ऐसा लगेगा, डिप्रेशन का लफ्ज इसलिए कह रही हूँ, आम फहम है सबको समझ में आ जाएगा, या तो चुप हो गया कोने में बैठा है, ये पिटाई लगा रहा है इसकी उसकी। अब ये वो तरबियत है जो माँ की कोख में जो माशरे ने दी और वो उसको लेकर आए, जो माँ की फीलिंग थी जो माँ महसूस कर रही थी वो ये बच्चा लेकर आ रहा है। बहुत सही कह। जिन लोगों का मैं नाम लेना नहीं पसंद करती, और आपको पता है हमारे माशरे में वो कौमें जिन्होंने तबाही मचाई हुई है, चाहे फिलिस्तीन या कुछ भी है, वहां पर जब माँ इस प्रोसेस में होती है तो बच्चे को मैथ्स, माँ को मैथ्स पढ़ाई जाती है, ठीक है? तो अगर यानी वो इस तरह लेकर जा रहे हैं तो ये हम कैसे समझ लें कि माँ की कोख में बच्चा कुछ नहीं सीख रहा, तरबियत तो वहां से शुरू हो रही है। और मुझे उन बच्चों को जिनकी माओं को आप अजियत देते हैं चाहे जबरदस्ती या उनकी मर्जी से किसी भी तरह, उनके बच्चे नॉर्मल बच्चों की तरह बिहेव नहीं करते, और उनको नॉर्मल करने के लिए मुझे बहुत शदीद मेहनत करनी पड़ती है। अभी पिछले हफ्ते कुछ दिन पहले की बात है, एक केस स्टडी मैंने किया जिसके अंदर फुप्पी और मामू इनके बच्चे थे, यानी एक फुप्पी का और एक मामू का, 7 साल की उम्र थी जिसका गला काटकर 15 साल के बच्चे ने खत्म कर दिया, कत्ल कर दिया। अच्छा, ठीक है। अब जब उससे पूछा गया तो उसने कहा कि क्योंकि मेरा ये कजन मुस्तकिल अपने बाप से मेरी शिकायत करता था, ठीक है, और उसका बाप जो मामू था इसका वो इसको डांटता था, डांट पटकार करता था कुछ, उस गुस्से में आके इसने ये अमल किया। मजीद तहकीक पे ये भी पता चला कि किसी फिल्म में उन्होंने कोई तरीकेकार देखा था कि जिंदगी कैसे ली जाती है, कैसे खत्म करते हैं, तो उन्होंने उसके साथ वो तरीकेकार कर दिया। दोनों बच्चे माइनर हैं, दोनों बच्चे एक ही खानदान के हैं, और दोनों बच्चों में एक दुनिया से गया और एक दुनिया में रहते हुए दुनिया में अब बर्बादी का एक घर है उसके लिए, सारे मामला जिंदगी भर के लिए हो गए। अब आप ये देखिए कि उस घर की तरबियत को आप तो कह रहे ना कि दुनियावी और दीनी, ये बच्चा जो इस उम्र में 7 साल में कत्ल हो गया और जिसने 15 साल में कत्ल कर दिया, ये तो ना दीन ना दुनिया, हमने इनको दोनों से ही फारिग कर दिया। और वो माँ बाप जो अपने बच्चों की तरबियत पे नजर नहीं रखते, या वो जो उनकी गलतियों को छुपाते हैं, या ये नहीं देखते कि किस कंपनी में बैठ रहे हैं, वो दरअसल हमारे माशरे में मुजरिम पैदा कर रहे हैं। जिसको देखो जब मुजरिम कोई आता है तो पता चलता है ये तो जहनी मरीज है। तो क्या हम जहनी मरीज पैदा कर रहे हैं? तो जहनी मरीज तो पैदा हम बड़े कर रहे हैं। तो जो तरबियत हमें करनी है वो हमें बचपन से करनी है, और दीन और दुनिया को हमें साथ लेके चलना है। जिसने दीन हासिल कर लिया, दुनिया तो उसके लिए हलवा है। अच्छा, अब जरा एक बात बताइए, हमारे यहाँ आप देखती हैं कि अब चूंकि वालिदैन, बहुत से वालिदैन पढ़े लिखे नहीं होते, अच्छा जो पढ़े लिखे होते हैं उनका भी एक प्रॉब्लम है बड़ा अजीब, कि वो जाहिर है कहीं कहीं ऐसा लगता है कि इल्ला माशाल्लाह दीन से दूरी होती है, जहन ये होता है कि जी मैंने उस ग्रामर स्कूल के अंदर, उस स्कूल के अंदर भारी फीसिस दे के जो बच्चे को जो है वो अपना जमा कराना है और वहां से जो मैंने बच्चे को तैयार करना है। नतीजा निकलता है कि बच्चे को आप डिग्री तो, जैसे डॉक्टर साहब ने कहा, डिग्री तो दिलवा देते हैं लेकिन वो जो बेसिक तरबियत होती है ना, बेसिक नॉर्म, इसकी मैं एक मिसाल आपको दे देता हूँ। मैं चूंकि जरा मेरा लाहौर कराची शोज 3 दिन यहाँ 3 दिन वहाँ, तो मैं अभी इस फ्लाइट पर मैंने देखा कि एक नौजवान लड़की जो है, एक बूढ़े शख्स ने पीछे खड़े, मतलब एक बूढ़े शख्स ने उसकी तरबियत के लिए कोई बात उसको समझाई और इज्जत के साथ बहुत प्यार से समझाई, ये समझ के कि मैं बड़ा हूं मेरी बात, उसने शटअप कॉल दे दी सबके सामने उस बच्ची ने,
मैं देख के मैं अंगूठ पर दंदा था कि मतलब ये तरबियत क्या की है, और बड़ी पढ़ी लिखी मतलब वो लड़की थी, तो क्या मतलब आप कहती हैं इस हवाले से? इसको अब आजकल हमारी सोसाइटी में बकायदा स्कूल में ये सारी ट्रेनिंग्स दी जा रही हैं। अब ये बड़ों के सामने खामोश हो जाना, इस चीज की तरबियत नहीं दी जाती, अदब लिहाज ये चीजें हमारी अब तरबियत का हिस्सा नहीं है। और जो आपने बात की ना कि नंबर, अब तो हम कामयाब उसको समझते हैं, वो कामयाब इंसान है जो बहुत सारे पैसे कमा रहे हैं। हम तालीम इसलिए दिलवाते हैं कि अच्छी डिग्री मिले, अच्छी जगह से डिग्री मिले, फिर अच्छी नौकरी मिले। हम अपने बच्चों पर प्रेशर ये डालते हैं कि तुम्हारे फलाने कजन ने इतने नंबर हासिल किए तो तुम इतने नंबर, ये नहीं कहते कि इसने रोजे कितने रखे, ये नमाज कितनी पढ़ रहा है। हम इस पे नहीं मुकाबला हमारे पास होता, या हम उसमें वो इनिशिएटिव नहीं लेते। हमारे पास तो जो जितनी अच्छी हमें लगता है कि अब आगे जाके अच्छी पैसा कमा लेगा, उसका नाम हो जाएगा, हम समझते हैं कामयाब इंसान है। कामयाब इंसान वो नहीं है जिसकी जेब भरी है, कामयाब वो है जिसका जहन, जिसका तखयल, जिसकी सोच, जिसका किरदार बुलंद है। तो हमने इन चीजों पर बात करनी छोड़ दी है। मैं किन किन बातों का ख्याल रखना चाहिए ये बताइए हमें, दुनियावी तालीम देते हुए बच्चों को। हमें दुनियावी तालीम तो एक तरह से हासिल हो ही जाएगी, हमें इस वक्त दुनियावी तालीम तो हम सभी दे रहे हैं। मुझे लगता है कि दीनी की तरफ हमें जाना चाहिए। जो हम नंबरों के लिए बात करते हैं, हम जितनी ट्यूशंस और किन किन जगहों पे, यानी बच्चों के लिए गाड़ी ड्राइवर मुख्तस है कि वो घंटों का सफर तय करेगा, वो पता नहीं कितना पेट्रोल और कितना फ्यूल वो करेगा इस्तेमाल, और वो अच्छे अच्छे नंबर लेकर आएगा, अगर इतना हम उसको लेकर चले उधर के जो दीनी तालीम है। और मैं उसमें ये बिल्कुल बरमला ये कहना चाहूंगी कि हमारे वो बच्चे जो हाफिजुल कुरान बनते हैं, जब हाफिजुल कुरान बन रहे होते हैं उसे कई लोग सवाल करते हैं कि आगे जाकर क्या करेंगे, लेकिन वही हाफिजुल कुरान जब प्रैक्टिकल लाइफ में आते हैं तो उनसे ज्यादा ज़हीन कोई नहीं होता, उनसे ज्यादा विजन कोई नहीं होता, उनसे ज्यादा तेज दिमाग किसी का नहीं होता। जिसके दिल में अल्लाह का कलाम उतर जाए, जो इन बातों को समझ ले, उसके लिए ये दुनिया तो हलवा हो जाती है। और मुझे ऐसा लगता है कि कॉम्पिटिशन में हमें अपने बच्चों को इस हद तक नहीं ले आना चाहिए, और अपने बच्चों को सबके सामने नहीं डांटना चाहिए। आप एक चीज और देखिएगा कि किसी बच्चे के 94% मार्क्स हैं तो वो जो मुझे लगता है कि ज़हनी तौर पर वो पेरेंट्स ठीक नहीं है, 94% वो खुशी खुशी बच्चा आके बता रहे कि मेरे इतने मार्क्स हैं, तो कहते हैं बस 94, ये 6 मार्क्स आपके कहां रह गए। अब जो मार्क्स उसने अचीव किए हैं उसको पहले आप उसको एंजॉय कर ले, उसको अप्रिशिएट कर दें। हमने बच्चों को भी एहसास कमतरी में डाल दिया, और इससे हमारी शुक्रगुजारी खत्म होती है, हमारे बच्चों पर प्रेशर पड़ता है। अल्लाह ताला ने जो दिया है उस पर शुक्रगुजारी सिखाई है, तो मैं कहती हूं बेहतरीन औलादें हम पाएंगे इंशाल्लाह। बहुत सही, वेरी ट्रू, वेरी ट्रू, वेरी ट्रू, वेरी वेल सेड। और बहुत जबरदस्त गुफ्तगू नाज़रीन पहले स्पेल में रही, दूसरे स्पेल में बड़ी अहम तरीन बातें हुई। एक तो ये कि जो बुनियादी तौर पर जो बच्चों की यूं कहिए कि अपना जो मेंटल ट्रीटमेंट है, जो उनकी फिजिकल ट्रीटमेंट है, और जो स्पिरिचुअल ट्रीटमेंट है, ये तीन फैक्टर्स बहुत अहम हैं। बच्चा ज़हनी तौर पर मजबूत होगा, बच्चा जिस्मानी तौर पर मजबूत होगा, तो यकीन बच्चे की रूह जो है वो मजबूती की तरफ जाएगी। और जब बच्चे की जब रूह मजबूत होगी तो स्पिरिचुअली वो कुछ कर सकता है जिसके बारे में हम तसव्वुर भी नहीं कर सकते। डॉक्टर साहब से पूछेंगे, दुरूद पाक सरकार की बारगाह में पेश कीजिए, उनकी आल की बारगाह में। लॉर्ड के सिलसिले को यहीं से जोड़ते हैं। एक बार फिर मैं आपको खुश आमदीद कहता हूं। इंटरेस्टिंग मौजू है नाजरीन, और मुझे यकीन है कि इस वक्त पूरी दुनिया में जहां जहां इस प्रोग्राम को देखा जा रहा होगा, वालिदैन खास तौर पर जो हैं वो यकीनन इंशाल्लाह हमारे साथ जुड़े हुए होंगे। क्योंकि अगेन वही बात जो मैं इब्तिदा में अर्ज कर रहा था कि मेरा तो ख्याल है कि इस वक्त सबसे बड़ा टारगेट, सबसे बड़ा टास्क, या यूं कहिए कि इस वक्त का जो सबसे बड़ा जहाद है साहब, वो यही है कि औलादें जो हैं उनकी तरबियत सही हो जाए। और आप देखिए कि बहुत से वालिदैन सिर्फ इसी बात पे मातम कर रहे होते हैं कि हमारी औलादें हमारे हाथ से निकल गई हैं। डॉक्टर साहब, आप जाहिर है इस पर आगे जाके हम बात करते हैं कि वो जो उम्र क्या होती है, उस पर किस तरह से बच्चों को ट्रीट करना चाहिए, लेकिन जो तीन पोर्शंस बहुत आम है, एक फिक्री पोर्शन है, एक फिजिकल पोर्शन और एक स्पिरिचुअल पोर्शन है। होता यह है कि हमारी जो ज्यादातर तवज्जो होती है, मैंने देखा है, वो जिस्मानी तौर पे जिस्मानी पोर्शन पे होती है, और फिक्री पोर्शन में भी वो, क्योंकि वहां पे फिक्री लफ्ज फिक्र जो है अप्लाई नहीं हो सकता, तालीमी पोर्शन उसको हम बना देते हैं बुनियादी तौर पे, फिक्र जो है उससे ताल्लुक नहीं है। जरा ये बताइए कि फिक्री, जिस्मानी और रूहानी एतबार से तरबियत कैसे होनी चाहिए? बहुत जानदार सवाल है, और मैं ये कहूँगा इब्तदाई तौर पर कि बच्चे चूंकि इंसान होते हैं, और इंसान एक ऐसी मखलूक है जो कि हाईली अनप्रिडिक्टेबल भी है और एवर चेंजिंग होती है, कि उसके डायनामिक्स बिल्कुल मुख्तलिफ होते हैं आम चीज़ों के मुकाबले में। दूसरी बात है कि ये क्लासिफिकेशन करना कि इस वक्त मैं जिस्मानी तरबियत कर रहा हूँ, इस वक्त मैं रूहानी तरबियत कर रहा हूँ, इस वक्त मैं फिक्री तरबियत कर रहा हूँ, ये क्लासिफिकेशन भी नजरी थियोरेटिकल है। जब आप बच्चों के साथ इंगेज होते हैं या इंगेज नहीं होते, हर लम्हे आप तरबियत के प्रोसेस में हैं। और सबसे पहली और बुनियादी बात जिसके ऊपर इससे पहले भी जिक्र हुआ वो ये है
औलाद की तरबियत का आगाज आपके शरीक हयात के इंतखाब से हो जाता है। वो जब आप करते हैं उसी वक्त वो पहला बड़ा स्टेप होता है इस तरफ कि आप अपनी औलाद को कैसे देखना चाहते हैं। वेरी गुड। अच्छा, अब दूसरी बात जिसकी तरफ मैं चाहूंगा कि आपकी तवज्जो हो वो ये है कि तरबियत में बुनियादी उसूल हम सबको ये जहन में रखना चाहिए कि आदतों को संवारने का नाम तरबियत है। आदतों को संवारने का नाम तरबियत इसलिए है कि आपने महज खड़े होकर लंबा 500 सफे का लेक्चर नहीं देना, इट विल नॉट वर्क। आदतों को संवारने से मुराद ये है कि बाज़ुकात आप खुद अमल करके दिखाएंगे। एग्जैक्टली। बाज़ुकात आप जब कोई स्टोरी सुनाएंगे तो वो स्टोरी में रोल मॉडल जो होगा वो भी इंपैक्ट डालेगा और आदतें संवारेगा। बाज़ुकात आप बच्चों को खुद मुशाहिदा और मुलाहिजा करके उनकी छोटी छोटी बातों में इंटरवीन करके ग्रेजुअली उनको फ्लरिश करवाएंगे कि वो अपनी आदतों में परफेक्शन लेकर आए। वेरी गुड। और आप बात करते हैं हुजूर के हुस्न सुलूक की और आपके उस्वा हसना की जिसका जिक्र कुरान करीम में भी हुआ बारहा, और आपके यानी हुस्न सुलूक के बारे में कहा गया कि इससे बढ़कर किसका हुस्न सुलूक होगा। आप देखिए उनकी बारगाह में चलते हैं, अब्दुल्ला इब्ने आमिर जिक्र करते हैं और बल्कि उससे पहले तो आमिर इब्ने सलमा आपके सामने खाना खा रहे हैं बर्तन में, और खाना खाते हुए जैसे छोटे बच्चे करते हैं कभी कहां से उन्होंने जी 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 क्या कमाल कर दिया। अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया दाएं हाथ से खाओ अपने सामने से खाओ। अब इसका मतलब ये एक इंस्ट्रक्शन है, लेकिन मैं आपको बताऊं ये अल्फाज नहीं है, उस बच्चे को हैंड ऑन प्रैक्टिस हुई है। एग्जैक्टली। अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने क्या और सर ये पूरा कंडक्ट है कि आप दस्तरखान पर बैठना कैसे बुनियादी तौर। अच्छा, फिर ये एक बंदा नहीं करता, यानी मिसाल के तौर पर वंस अपॉन ए टाइम आप डाइनिंग टेबल पर मौजूद है, आपने बच्चे को कहा और आपकी एक्सपेक्टेशन देखें कितनी हाई है कि जिंदगी भर मेरी नसीहत याद रखेंगे। इतने डिस्टर्बिंग और इन्फ्लुएंसिंग फैक्टर्स होते हैं कि आपको कंटिन्यूअसली उसके ऊपर निगाह रखनी। सर उसमें पहला सैंपल केस आप खुद बनते हैं, खुद बनते हैं, बाप जो है वो नसीहत कर रहा है तो क्या बाप खुद अप्लाई कर रहा है कि नहीं कर रहा। और एक बार नहीं, परसिस्टेंसी, इस्तेकामत, मुस्तकिल। अब्दुल्ला इब्ने आमिर का केस देखिए कि वालिदा ने बुलाया, हुजूर का मामला देखिए कैसा बड़ी बात है। अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया अगर आपने ये कह के बुलाया है कि खजूर देनी है तो अगर आप ना देती तो झूठ हो जाता, झूठ होता, ठीक है। दूसरी बात इस और ये हमारे नॉर्मल बात है, ये नॉर्मल है। हाँ बच्चा आ जाओ, तुम्हारे पापा तुम्हें ये देंगे और कुछ नहीं दे रहे हो, और फिर कुछ नहीं देते। इसका मतलब ये कि झूठ बोलना और उसे अप्लाई करना हम खुद कॉन्शियसली या अनकॉन्शियसली करते। अच्छा, तीसरी बात जुनैद भाई, मैं हमेशा इंप्रेस हुआ हूं इमाम गजाली रहमतुल्लाह तआला अलैह से, और जो हमें जिस तरह की हमारी तरबियत उसमें यह कि हम जिस्मानी यानी सेहत के ऊपर कोई ज्यादा तवज्जो नहीं देते। आप ये देखिए कि उन्होंने जो एक मजमून लिखा है औलाद की तरबियत के ऊपर, उसमें उन्होंने पहले बताया कि दूध पिलाने के लिए नेक औरत का इंतखाब। अल्लाहू अकबर। यानी दूध तो क्या है मुझे बताइए, एक फिजिकल है, आप किसी डाइट्रिशियन से पूछेंगे वो बताएंगे कि इसके इतने अंदर कैलोरीज होती हैं, ये फूड इंग्रेडिएंट्स हैं, लेकिन पिलाने वाला सर वो सिर्फ फूड इंग्रेडिएंट्स नहीं है, वो रूहानी रूहानी है जो बच्चे में जा रहे होते हैं। तो इससे मैं कहता हूं कि जिस्मानी और रूहानी और फिक्री जनाब तीनों जुड़ी हुई हैं। फिर फरमाया कि बच्चे को कभी आराम तलबी की रगबत ना दिलाई जाए। अब आप अपने जुमलों पर जरा गौर कीजिए जनाब, कि मेरा बेड कैसे होना चाहिए जनाब, उसके ऊपर लगा हुआ तकिया कैसा होना चाहिए, किस ब्रांड का होना चाहिए, कितना कंफर्ट लेवल होना चाहिए। हजरत इमाम गजाली फरमाते हैं बच्चे को अगर आप ये सिखाएंगे तो वो मेहनत और जफाकशी नहीं करेगा। बुरे साथियों की सोहबत से बचाइए, गैदरिंग से दे। और मैं आपको बताऊं भी स्कूल के हवाले से जिक्र हुआ, स्कूल में चंद चीजें अच्छी हैं लेकिन हम इस वक्त पाकिस्तान में गिरते हुए रूबा जवाल इदारों के साथ रह रहे हैं और स्कूल उसमें से सबसे बड़ा रूबा जवाल इदारा है, जहां पर असातिजा की होलियां मनाई जा रही हैं, अब तो मतलब बॉलीवुड डेज मनाए जा रहे हैं वो भी है। और सबसे ज्यादा जुनैद भाई जो सबसे ज्यादा परेशान कुन बात है वो ये है कि फ्रस्ट्रेटेड बच्चे क्लास में जब आते हैं वो थोड़े से पोलाइट या थोड़े से जिसे कहते हैं लेस एग्रेसिव बच्चों को इतनी बुली और इतनी हैमरिंग करते हैं कि वो नफ्सियाती मरीज स्कूल से ही बनकर बाहर आता। इसीलिए पहले हम ये कहते थे कि आपकी जो गैदरिंग्स हैं उसमें मैं अभी जो मैंने हाशिया लगाया इब्तिदा में कि फिजिकल गैदरिंग, अब जो डिजिटल गैदरिंग्स हैं सर वो भी उसका भी बड़ा मतलब जो इन्वॉल्वमेंट हो गया। अच्छा, फिर तीसरी बात जिसकी तरफ इमाम गजाली ने तवज्जो दिलाई वो क्या है, ज्यादा खाने की हिर्स।
इससे भी बच्चे को महफूज फरमाए। फिर एक और बड़ी दिलचस्प बात वो ये है कि आपने फरमाया कि तकब्बुर और गुरूर, हमारे यहां फख्र करने की बड़ी आदत है और वो बेसिकली इम्प्लांट की जाती है अपनी कन्वर्सेशन से जनाब, कई कन्वर्सेशन को, यानी कई कन्वर्सेशन को अप्रिशिएट करके कि हमें फख्र करना चाहिए। और अगर फख्र के साथ तकब्बुर और गुरूर मिल जाए तो जुनैद भाई इससे बढ़कर कोई बड़ा गुनाह नहीं होता कि आप अपने कुलीग्स को अगर कमतर समझना शुरू हो जाएं, अपने आप को किसी भी वजह से, जबान, रंग, नस्ल, तहजीब की वजह से समझना शुरू हो जाएं, तो रेसिज्म और फासिज्म आप इनकलकेट करते हैं अपने बच्चों के अंदर। और आखिर में मैं ये कहूंगा कि गुफ्तगू को पाक करना सीखिए, खुद भी गुफ्तगू को बहुत ही साफ सुथरा अल्फाज का इंतखाब अच्छा है। और मैं सिर्फ और सिर्फ ये चाहूंगा, इसलिए रूहानी तरबियत हो गई, ये पाक गुफ्तगू है, रूहानी तरबियत। मैं सिर्फ इस तरह तवज्जो जलाऊंगा कि हमारे यंग बच्चे जो कि 12-13 साल से चाय के ठिए पे बैठना शुरू होते हैं, वहां पर घंटों इस बात की नशिस्त होती है जिसमें फहश गुफ्तगू सिर्फ और सिर्फ इसलिए कही जाती है कि वो फ्रेश होने जा रहे हैं। मेरे दोस्तों, जो लम्हे आपने अल्लाह रब्बुल इज्जत के यानी हिदायत के बिल्कुल बरखिलाफ गुजारे और गालियां सिर्फ इसलिए दी कि आपने अपना जो फ्रस्ट्रेशन है वो निकालना था, तो ये बहुत बुरी बात है। और बाज़ोकात इससे जो दूसरे की नफ्सियात आपके दोस्त की मुतासिर होती है वो जुल्म है। और तीसरी बात ये कि फर्ज कीजिए कि वहां पर झगड़ा हो जाए तो कत्लो गारत भी हो जाती है, तो मुआशरती नफरत का आगाज शायद वो चाय का किया हो जहां पर महज आप रिलैक्स होने के लिए गए थे, इसको अवॉइड करें। और ये अवॉइडेंस कौन कह रहे हैं, इमाम गजाली का ये रिसाला हमें बता रहा है कि इसको अवॉइड करें। बात यही है कि आप डॉक्टर साहब बबूल बोएंगे और आप एक्सपेक्ट करें कि मैं आम खा लूं, तो ये पॉसिबल नहीं है। हम मसला ये है कि आज जो ये सर पीट रहे होते हैं, हाय मेरी औलाद, हाय मेरी औलाद, बाबा बात ये कि वो जो आपने बबूल बोए थे बिल्कुल इब्तदाई जिंदगी के अंदर, अब आप मातम ही करेंगे ना, और इसके अलावा आपके पास क्या रह गया करने को। सही बात है। यानी अगेन वही बात है, मैंने कहा ना ये इस हसासियत को लोग समझ नहीं रहे। ये एक मिशन है, बाकायदा एक जहाज है कि आप औलाद पैदा करने से पहले 10,000 मरतबा सोचें, लेकिन जब पैदा करना चले तो जहन में रखिए कि फिर आपने एक प्रॉपर, एक आपका सेगमेंट है जिंदगी का जिसको आपने आखिर तक निभाना है। अब जरा ये बताइए, जो निभाने की बात आ गई, बच्चों की तरबियत में वालिदैन का जो रवैया है, दो एक्सट्रीम्स मैं देखता हूं। एक एक्सट्रीम ये साहब कि मैं बाप हूं, एक एक्सट्रीम ये कि मैं दोस्त हूं, और एक दरमियान का मामला है मैं बाप जैसा दोस्त हूं या दोस्त जैसा बाप। क्या बात है, है ना। अच्छा, मैं किस स्कूल ऑफ थॉट का कायल हूं बाद में बताऊंगा, पहले मैं आपकी अपनी आपकी ओपिनियन। आपकी मुस्कुराहट से मुझे पता चल गया कि आप अच्छा आप वालिदैन, ये बड़ा हमारे ज़ारे गलत मलत कर दिया ना। तो एक तो ये कि उम्र के एतबार से क्या रवैया होना चाहिए, बच्चा किस उम्र तक सीखता है और किस उम्र में उसमें पुख्तगी आ जाती है कि अब आप कुछ भी हैमरिंग करते रहे कुछ नहीं होगा, बताइए जरा। देखिए, हम हमेशा ये कहते हैं कि बच्चा किस उम्र से सीखता है और कब तक सीखता है, लेकिन माँ बाप भी सीखना शुरू कर देते हैं जब बच्चा पैदा होता है। माँ बाप की तरबियत भी उसी तरीके से हो रही होती है जिस तरह बच्चे की तरबियत हो रही होती है। उम्रों का फर्क होता है, तकाजों का फर्क होता है। तो माँ बाप को भी सीखते रहना है और बच्चे को भी सिखाते रहना है। अब बच्चे का सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये होता है कि वो तो देख के सीखेगा, तो हमें अगर कुछ करना ही नहीं आता तो हम उसको सिखाएंगे क्या। सबसे पहले मैं आपको बुनियादी चीधा चीधा बताऊं, सबसे पहला कि आप मुस्कुराएं, स्माइल करें, शुक्र अल्लाह का करें। अगर आप ये दोनों चीजें बच्चे की बुनियादी तौर पर डालेंगे तो बच्चा सुबह उठ के खुश रहेगा और लोगों के साथ जो उसका अंदाज गुफ्तगू होगा वो बड़ा अच्छा होगा। हम लोग स्माइल नहीं करते, हम लोग वो कहते हैं गुड मॉर्निंग, अंग्रेजों के मुल्क में जाके तो गुड मॉर्निंग कर लेते हैं, लेकिन यहाँ पे अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्ला नहीं करते। यहाँ पे हमें लगता है हम दकियानूसी हो गए। तो पहला काम ये करना है कि दूसरों के साथ मिला जुलू जब करते हैं तो बेहतरीन तरीके से करें, लोगों से मिलें। और दूसरा, आगे अगर हम बढ़ते हैं, जब बच्चा 8-9 साल का 10 साल का होता है तो वहां पे आप इस्लामी जो तर्ज है वो हल्के हल्के करके दिखाना शुरू कर दें, क्योंकि इस्लाम और साइंस बड़े करीब करीब जुड़ते जुड़ते साथ चल रहे होते हैं। अगर देखने वाला की आंख हो तो लगता है कि ये एक ही किताब है, दो मुख्तलिफ तरीके से लैंग्वेज में बयान की गई है। 7 Habits of Highly Effective People एक किताब है जिसमें 7 आदतें दी हुई है जो कामयाब लोगों की है। अच्छा, अगर वो किताब को उर्दू में तर्जुमा करें तो लगता है किसी हमारे जनाब अली या तो पैगंबर के दुनिया के बिल्कुल बिल्कुल उसे कॉपी की गई है, लेकिन हम उनकी बातों को बताते हुए शर्माते हैं और अंग्रेजी किताबों को फॉलो करा रहे होते हैं। तो मैं यही कहता हूं कि आप बच्चों को क्या हैबिट्स क्या है तो बताइए। वो भाई नंबर एक हैबिट ये है कि आप प्रोएक्टिव रहें, रिएक्टिव ना रहें। ठीक है, प्रोएक्टिव का मतलब ये कि आप अपने दिमाग में ये बात बसा लें
कि जो काम अच्छा बुरा कामयाबी करेगा वो उसकी जमानत मैं खुद लेता हूं, ना कि मैं किसी और के ऊपर ये जवाब नहीं बनाता। अब होता क्या है कि हम कहते हैं मैं तो बिल्कुल सुबह सुबह खुश निकला और मुझे इस शख्स ने गुस्सा दिला दिया, तो मैं क्या करता? तो रिएक्टिविटी ये है कि आप दूसरे की वजह से अपने अमल को चेंज कर लें, ठीक है। प्रोएक्टिविटी ये है कि हुजूर पाक के ऊपर एक कचरा डालती थी औरत और वो रिवायत गलत है, चले निकल गए, लेकिन ये कि सरकार अलैहि सलाम माफ फरमा दिया करते थे। हाँ, वो मतलब तरीका यही कि वो अपने तर्स को कभी भी किसी की वजह से चेंज नहीं करते। ठीक, असल बात ये, ठीक। और दूसरा ये हैबिट है कि जनाब आप कोई भी काम करने से पहले उसके एंड को देख लें, बिगिन विद द एंड इन माइंड। कोई भी काम स्टार्ट करें तो आप उसके एंड को देख लें तो काम में बेहतरी आ जाती है। सोशल कम्युनिकेशन की बात उसमें हैबिट नंबर 3-4 में होती है कि लोगों के साथ बात करने में पहले लोगों की सुने। ये नहीं कि आप अपनी बात किए जाएं एग्रेसिव हो जाएं। अब हमारे स्कूल के बच्चे क्या करते हैं, उनको तो पता ही नहीं होता कम्युनिकेशन होता क्या है, तो वो अपनी बात करते हैं, बुली करते हैं, दूसरे को खींचते हैं और उनके माँ बाप उनको सिखाते नहीं बेटा ये गलत बात है, पहले आप दूसरे बच्चे की या दूसरे लोगों की सुना करें। और तेजी से वो बच्चे हो जाते हैं 16 साल के, वहां पर जनाब वो फिर कहर डालते हैं, वहां पर फिर यहाँ पे देखें ना दहशतगर्दी बढ़ गई है, मोबाइल स्नैचिंग बढ़ गई है, उसके अलावा स्कूल में भी ऐसी चीजें हो रही हैं जो क्राइम के करीब करीब हैं, ड्रग्स हैं। तो यहाँ पे कम्युनिकेशन हैबिट्स को अगर हम देखें तो मेरे ख्याल से हम तेजी से बेहतर। साइकोलॉजी ये कहती है कि 2 साल से लेकर 7 बरस तक का जो पीरियड है वो बड़ा इंपॉर्टेंट पीरियड है बच्चे के लिए, और फिर 7 बरस से लेकर 12 साल तक का जो पीरियड है ये बड़ा इंपॉर्टेंट पीरियड है। यानी जो कुछ भी आपने इसमें दे दिया उनको, बस वो समझ लीजिए उनकी आपने प्लांटेशन कर दी, और उसके बाद फिर 12 साल के बाद आप रिसीविंग हैंड के ऊपर होते हैं, आप डिलीवर करेंगे लेकिन बात यह कि उसका फायदा नहीं होगा। तो ये किसी हद तक सही बात है, बिल्कुल ठीक बात है कि जब बच्चा पैदा होता है 3 साल का, मैं इसलिए कहता हूं कि बच्चे को पता चलता है 3 साल के बाद कि मेरा बाप कौन है और मेरे आगे पीछे हो क्या रहा है। उससे पहले जो चीजें वो अंदर की तरफ बंदा जो जाहिर सी बात है एम्ब्रियोलॉजी में या प्रेगनेंसी में भी वो सीखना शुरू कर देता है, लेकिन 18 साल के बाद सिखाना बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि वो टाइम होता है डिलीवर करने का, वो हार्मोन्स और जो केमिकल चेंजेस बॉडी में आ रहे होते हैं उसके साथ वो बागी भी हो रहा होता है। तो जो शुरू के 12-13 साल हैं उसमें अगर आप सिखाने के अमल में चले जाएं तो मेरे ख्याल से उसके बाद आपको 22-23 साल की उम्र में इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ती। और हमारे अलमिया ये हो रहा होता है कि हमारा माँ बाप बेचारे जो कि दूसरी चीजों में पड़ जाते हैं, स्कूल की फीसेस दे रहे हैं या अच्छा पहना रहे हैं, कमरों को डेकोरेट कर रहे हैं, उनकी ख्वाहिशों को पूरा कर रहे हैं, वो ये भूल जाते हैं कि ग्रूमिंग इसकी 24 साल के बाद नहीं होगी। फिर वो हमारे पास आते हैं 24-25 साल के बाद, 26 साल के बाद वो बेहतरी नहीं आ सकती जो वो हमारे पास लेके आ रहे होते हैं। जैसे कि डॉक्टर साहब बच्चा बदतमीजी, वो तो 12 साल शुरू के 13 साल बस है, बस अब वो आते हैं 20-22 साल की उम्र के बाद कि हमारा बच्चा बदतमीजी बहुत करता है, हमें तमीज से बात निकल गया, निकल गया। अब आप इसके सेशंस लें उसको ठीक करें, तो हम कहते हैं ये तो ट्रेन तो निकल चुकी है, लेकिन फिर भी जब उसके कॉन्शियस लेवल पे हम लेके आते हैं मुश्किलें करके तो कुछ सीख जाता है। लेकिन हमसे बेहतर इलाज हमारे पेरेंट्स कर सकते हैं अगर उनको अर्ली एज में पता चल जाए कि करना क्या है। बात वही है, वेरी फर्स्ट डे। अच्छा, अब बात ये कि एक फेज तो ये हुआ कि साहब आप 2 बरस से लेके 7 बरस तक और 7 बरस से लेके 12 बरस तक की ये 2 स्पेल डिफरेंट स्पेल हैं। जाहिर है जब आप बच्चे को देख रहे होते हैं तो उसकी मुख्तलिफ एज के एतबार से उसकी जो मेंटल कैपेसिटी है वो बढ़ती रहती है। अमली जिंदगी में जब औलाद दाखिल होती है तो उस वक्त जाहिर है वालिदैन का किरदार क्या होना चाहिए, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है। आया कि बच्चों को उसी अंदाज से फीड करना चाहिए, क्योंकि बच्चा हमेशा वालिदैन की निगाह में बच्चा ही रहता है, और बहुत से वालिदैन ऐसे होते हैं चाहे वो बच्चा कितना ही बड़ा हो जाए वो ट्रीट उसी एतबार से कर रहे होते हैं। तो क्या उसी एतबार से फीड करना चाहिए, उसी एतबार से ट्रीट करना चाहिए, या एक एक थॉट ये है कि साहब आप बच्चों को जो है लिवरेज दीजिए, आज़ादी दीजिए और उनको फ्रीडम दीजिए और उनको जो है वो जो काम करना चाहते हैं वो करने दें, वो गलत करेंगे सीखेंगे फिर सही करेंगे, लेकिन अल्टीमेट ये होगा कि वो अपनी जिंदगी को जीने का ढंग जो है वो समझ लेंगे किस तरह से जीना चाहिए। बताइए। देखिए, बच्चा जब पैदा होता है तो वो बेशक हमारे वजूद का हिस्सा है लेकिन इंडिविजुअल होता है, तो उसको ट्रीट तो उसी अंदाज में करना चाहिए। एज के साथ साथ शुरू का कुछ वक्त ऐसा होता है जिसमें हम बच्चे के लिए फैसले करते हैं, और बाद में तो ऐसा वक्त भी आ जाता है कि बच्चे हमारे लिए फैसले करते हैं जब हम बुढ़ापे पे होते हैं। ये बीच का टाइम पीरियड ऐसा होता है जो एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से हम एक दूसरे को लेकर चल रहे होते हैं, और वो जो दोस्तनुमा बाप है वो एक बेहतरीन बात है कि आप दोनों ही चीजें उसमें डालते हैं। तो क्या बात है, स्कूल ऑफ थॉट का कायल हूं, मुझे भी ये चीज बेहतरीन लगी और इसको इंडोर्स होना चाहिए यहाँ पर। और अगर मैं बच्चों की बात करूं तो जब कभी बच्चों से मेरी बात होती है जिनके लिए कहते हैं जी मुजरिम बन गया, बात नहीं सुन रहा, ये नहीं, तो उनसे कई दफा मुझे सुनने को मिलता है कि हमारे माँ बाप हमें टाइम सही से नहीं देते या हमारी बात नहीं सुनते या हमारी बात समझते नहीं है। ये इसलिए होता है कि तरबियत की जगह पैसा दिया
किया जा रहा होता है और तरबियत का नेमुल बदल पैसा हो नहीं सकता। माँ बाप जब आखिर की तरफ आ रहे होते हैं तो अब तो वसूली का वक्त है, लेकिन मैं ये समझती हूँ कि जिंदगी में माँ बाप हमेशा कीमती होते हैं, अल्लाह ताला उनकी दुआएं हमेशा सुनता है और औलाद से उनका एक रिश्ता बना रहता है, सिवाय उन बदनसीब औलादों के जो शेल्टर होम में मेरे पास अपने माँ बाप को छोड़कर चले जाते हैं, वो एक एक्सट्रीम केस है। लेकिन अगर हमने अपनी औलाद को शुक्रगुजार बनाया है, हमने उसको थैंक यू कहना सिखाया है, तो हालात कितने भी बुरे हों और अल्लाह से ताल्लुक जोड़ दिया है तो हमारे बच्चे बेहतरीन निकलते हैं। जिसका ताल्लुक अल्लाह से जुड़ा वो हो, वो जिंदगी में कहीं भी जाके वापस उधर जुड़ सकता है। अच्छा, सबसे ये कथा कलाम की ये उस वक्त होता है जब बच्चा आपके साथ दस्तरखान पर बैठना शुरू होता है ना, और जिस वक्त आप उसे कहते हैं बेटा बिस्मिल्लाह पढ़ के खाओ, तो वो जब वो तोतलाई की जुबान में बोलता है बिस्मिल्लाह, और फिर वो जब वो खा चुका होता है तो आप कहते हैं शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह को, अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह को, तो वो बड़ा आपका बॉडी पॉस्चर समझ, तो वहां से वो शुरू होता है। कभी कभी तो इंसानों का शुक्रगुजार बन जाता है। कभी कभी तो उसको कुछ कहते भी नहीं है, वो सिर्फ हमें देखता है और करता है। मैं गाड़ी में जा रही थी, मेरा बेटा 8 साल 9 साल का था और मेरी एक आदत है कि मैं कहती हूँ अल्लाह सब ठीक करेगा जुमला, तो हम जा रहे हैं तो मैंने किसी बहुत मुश्किल बात पे डिस्कशन मेरी और सालिम साहब की चल रही थी, अचानक पीछे से एक छोटी सी आवाज आती है अल्लाह सब ठीक करेगा। मैंने मुड़ के देखा अपने बेटे को और मैंने अल्लाह का शुक्र अदा किया कि अल्लाह जो मैं बोलती हूँ उसकी रूह में और उसकी उसमें सराइयत कर गया। माँ बाप को पता होता है कि उसके बच्चे कहां खड़े हैं। मेरे बच्चों ने क्योंकि अपनी दादी नानी का वक्त और सब बड़ों का गुजारा, स्कूल से एक दफा मुझे कॉल आती है टीचर की कि आलिया आपको मुबारक हो कि आप अब्दुल वारिस की वालदा हैं। मैं हमारे जहन में आते शायद बड़ा अच्छा स्कोर कर लिया होगा, कहने लगी कि मैं क्योंकि स्टिक लेकर चल रही थी और मेरे जूतों के लेसेज खुल गए तो मुझे महसूस हुआ कि मेरे पैरों पर है, देखा वो तुम्हारा बेटा अब्दुल वारिस था जो वो लेसेज बांध रहा था, क्योंकि उसको ये मालूम है कि जब दादी बिस्तर से उतरती है तो उनके पैरों के नीचे वो चप्पल रखता है, जब उसकी हाइट ऊंची है तो मेरी मतलब मेरी मदर इन लॉ जब जाती थी तो उसको आवाज देके कहती थी अब्दुल वारिस को बुलाओ वो मुझे उठाएगा, बाकी कोई आता था तो कहती थी नहीं वो टॉल है उठा ले। ये जो रिश्ते होते हैं मोहब्बतों के, इनको कायम करने की जरूरत है तो बाद में मुश्किलात नहीं होती। हमारे यहाँ जो तौर तरीका है दादी जान और फूफी अम्मा और दुल्हन के नाम से इस नानी जान अब्बू जानी जान जानी और इस तरह के अल्फाज हम इस तरह अपने इन प्यारे रिश्तों में लगाते हैं। जान और जानी वो सारी डिजिटल गैदरिंग्स में चले गए ना, वो वहां चले गए सारी है। तो उधर चले गए तो फिर अब रोने की क्या जरूरत है, अब रोने की क्या जरूरत है। और अब तो मैं ये भी कहती हूँ कि माँ बाप को भी एक बात कहूंगी कि अपनी औलाद को रिश्तों से नहीं तोड़िए। मिसाल के तौर पे अगर सास बहू में या नंद भावज में कुछ ऐसी बात हो गई है और बच्चे उनसे मोहब्बत रखना चाहते हैं तो उनका खूनी रिश्ता है, आप उन्हें रखने दीजिए, अपने ग्रजेज अपनी वो सारी चीज बच्चों में मुंतकिल ना करें। अल्फाज नहीं बदले। पुख्ता उम्र के बच्चों की जिंदगी में वालिदैन को कितना इंटरवीन करना चाहिए? अब जब उन्होंने प्रोडक्ट तैयार कर दिया तो अब तो सिर्फ बातचीत हो सकती है। बातचीत में अगर वो कोई चीज बना ले, क्योंकि आजकल के लोग इससे ज्यादा कुछ नहीं करते, और अगर हमने बच्चों को ये कह दिया है ना कि इज्जत कमाना आपका मेन जो आपका काम है वो इज्जत कमाना नहीं है, दौलत कमाना है, तो अगर आपने इज्जत की बात की है, अगर आपने इज्जत दी है तो आपको इज्जत मिलेगी। और बच्चों में भी यही है कि अगर इज्जत के मामलात हैं तो आपकी जरूर सुनेंगे, लेकिन अगर आपने उनको कमर्शियल मिसाल के तौर पर अगर बच्चे ने कहीं बाहर मुल्क जाना है कुछ करना है लेकिन आपके और उसके बीच में वो बॉन्डिंग ही नहीं बनी, उसने कहा इन्होंने मुझे टाइम नहीं दिया, इन्होंने वक्त पर मुझे अपना वक्त नहीं दिया था, मुझे मासी से पलवा दिया था, या उसको आपके साथ वो मोहब्बत ही नहीं है, तो फिर आप अपने बच्चों को उस ट्रैक पर नहीं ले जा सकेंगे अनलेस एंड अंटिल अल्लाह आप पर कोई मेहरबानी कर दे। क्योंकि जो प्रोडक्ट जैसे आपने कहा ना कि बबूल के कांटों में आम नहीं मिला करते, तो जो हमने बोया है हमें वापसी में वही मिलेगा, गुंजाइश नहीं है। अगर जो आज ये प्रोग्राम देख रहे हैं तो हमारी बातों से समझ लें कि जिनके पास बच्चे हैं जो चाहते हैं वही करें ताकि उन्हें बेहतर। बहुत शुक्रिया आप तीनों अहबाब का, आप तशरीफ लाए, आई होप के बहुत से लोगों को बड़ा जबरदस्त मैसेज मिला होगा। तरबियत एक फैक्ट्री की तरह है नाज़रीन, एक फैक्ट्री हुआ करती है ना जहां पे प्रोडक्ट तैयार होती है, आप रॉ मटेरियल लाते हैं, एक सर्टेन प्रोसेस से पूरा रॉ मटेरियल निकलता है, फाइनली एक फिनिश प्रोडक्ट आता है। ये जो बच्चा है ना ये एक रॉ मटेरियल की तरह होता है जो आपकी तरबियत की फैक्ट्री में आता है। अब आपके ऊपर है साहब कि आप इसको जिस तरह से चाहें जिस शेप में ढाल दें, चाहे तो उस रॉ को जो है वो अपना बदरू बना के जो है माशरे के अंदर छोड़ दें, या उस रॉ को जो एक फिनिश प्रोडक्ट बना के एक बेहतरीन सा प्रोडक्ट बना के जो है माशरे के अंदर आप लॉन्च करें और ऐसे लॉन्च करें कि वो आपका भी हवाला बन जाए और आपकी आने वाली नस्लों का भी हवाला बन जाए। क्योंकि याद रखिएगा बच्चे जो बुनियादी तौर पर हुआ करते हैं ना वो कुछ किया करते हैं जो आप हुआ करते हैं, आपके रेप्लिका होते हैं वो, आपका एक आपके सामने बच्चों की सूरत में खाली कैनवस है
लिखते चले जाइए साहब जो लिखना है, फाइनली जहन में रखिएगा कि जब अपनी तहरीर को खत्म करेंगे और कलम को रखेंगे तो वो रखता हुआ कलम या वो जो लम्हा है वो लम्हा आपका फैसला करेगा बुनियादी तौर पर कि आपने बच्चे के लिए लिखा क्या था। बस वो फिर आपकी नस्लें जो है उस लिखे हुए पर चला करती हैं। अल्लाह ताला हमें अक्ल सलीम दे साहब कि हम अपने बच्चों को अपने लिए सदका जारिया बनाएं ना कि अजाब जारिया बनाएं। किताब शिफा औलाद औलाद को राह रास्त पर लाने का आपको अमल बतलाते हैं कि जिस बच्चे का सीधी राह से भटकने का खदशा हो तो रोजाना नमाज फजर के बाद बच्चे की पेशानी पर हाथ रखकर 21 बार अल्लाह ताला के इस्मे ग्रामी या 2200 पढ़कर दम करें, इंशाअल्लाह बच्चा सीधी राह पर कायम रहेगा। हजरत अली करमला वजुल करीम का कौल मुबारक है कि पहले 7 सालों में बच्चे को, अब देखें वही बात जो मैं अर्ज कर रहा था, ये तो आज सेगमेंट फाइड वगैरह की बात है ना, मौलाए कायनात क्या फरमा रहे हैं जरा सुने, कि पहले 7 सालों में बच्चे को इतना प्यार दो जैसे बच्चा बादशाह है, 7 साल से 14 साल के बच्चे को उस निगाह से देखो कि आप बादशाह लगो और वो गुलाम, और 14 साल से 22 साल के बच्चों को अपने अहम उमूर में अपना मुशीर बना लो। ये मौलाए कायनात जो कंडक्ट किया है बस यही सब कुछ है। और रोजनामा 92 न्यूज़ में आप जरूर पढ़िएगा औलाद की तरबियत के रहनुमा उसूलों के हवाले से। एक्सपो में फॉलो कर लीजिए, फेसबुक पेज को लाइक करके, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को जरूर क्लिक कर लीजिए। आप वहां मौजूद हैं, हम यहां मौजूद हैं, मिलकर नारा, लेकिन उससे पहले जरा अपनी अपनी रूह से तजदीद अहद वफा, ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकून अहब्ब इलैह मिन वालिदैही व वलदैही वन्नासि अजमईन। अल्लाह ताला आपका, हमारा, हम सबका, पाकिस्तान का, पाकिस्तान के लिए खास तौर पर दुआ कीजिए। बहुत परेशानियों से इस वक्त मेरा आपका पाकिस्तान गुजर रहा है और उम्मत मुस्लिमा का हामी नासिर, और खास तौर पर गजा के रहने वालों के लिए, यमनियों के लिए, और जो जो इस वक्त दामे दरम कदम सुखन है फलस्तीनियों की मदद कर रहा है, अल्लाह ताला सबका हामी नासिर। आमीन। पाकिस्तान का मतलब क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह।